भाषा विधिज विषया राष्ट्रभोगान सविष्णान पश्चाचन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान सर्वानेतां पुनरपि शनैः स्थापयित्वा दिवा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्रशो नः स्फुरीः तत
तत्र नाप्तिका तत्र पूर्वार्थ अक्षराणि अवतार्य व्याकरणी विषय में मतलब द्वैतवादी का ये कहना है कि द्वैत यदि अद्वैत का ये विशेष स्थिति है तब तो द्वैत भी कारण कर्म कार्यनाली का रविवार इस विषय में पूर्वार्थ अक्षराणी विषय में तत्र मतलब इस विषय में शंका के उत्तर के रूप में श्लोक के पहले आधा भाग में आए हुए माया विद्यता कथन जनता इस पूर्वाध्य जो पद है उसका अवतरण करके व्याख्या करते हैं। देखो दो प्रकार के अनुमान का इसको पढ़ लेते हैं, एक विपक्षी अनुमान है एक सपक्ष अनुमान है। विवश पर जो भेद है वो मिथ्या है, विमत्व भेद मिथ्या भेदत्व चंद्रादि भेदवत है ना। विवश पर जो भेद दिखाई पड़ रहा है ना, कहीं भी आपको भेद दिखाई दे वो समझना कि वो पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि भेद मत भी मिथ्या है, विषय यहाँ भी है वही मिथ्या है। चंद्रादि भेदवत चंद्र में हुआ रज्जु को दिखाई दे रहा भिन्न भिन्न वस्तु एक चंद्र को दो चंद्र देखना रज्जु को अन्य रूप में देखना इस प्रकार जहाँ में भेद दिखाई पड़ता है जो एक ही तत्व वहाँ भी अलग अलग दिखाई पड़ता है वो मिथ्या ही समझते हैं। और इसका विपरीत जो विमतन विवादास्पद जो भेद है ना तत्त भेद रहित वास्तविक वहाँ पर भेद से रहित है अधिष्ठान तत्व। क्यों नील अवयवत्वा जो अधिष्ठान में भेद नहीं है उनमें भेद है क्योंकि वो निर अवयव है। उसका क्या है वो नित्य है, जहाँ कहीं भी उत्पत्तिशील वस्तु हमेशा नाशवान होगा परंतु इस तत्व को नित्य कहा गया श्रुति के द्वारा, इसलिए यहाँ को ये उत्पत्तिशील नहीं हो सकता। नित्यत्व अजत्वात जन्म रहित होने के कारण है ना, जन्म से रहित होने के कारण इससे उत्पत्ति हुआ अथवा इसकी उत्पत्ति भी दोनों नहीं कह सकते। इसके सपक्ष में अन्य दृष्टांत आप दे नहीं सकते कि आत्मा की तरफ दृष्टांत है ही हमारे पास, इसलिए व्यतिरिक्त दृष्टांत देना पड़ता है। देखो व्यतिरिक्त दृष्टांत में क्या बोलते हैं मृदा विवर मृदा विषय को व्यतिरिक्त नहीं कहा जाएगा, शास्त्र अभाव कह दिया वहाँ पे भेद रहित नहीं है और भेद वाला है और भेद भी वहाँ पर बैठ जाएगा। ये मृत क्या है सावयव है मतलब मृत अवयव है तो ऊर्जा अभाव है वहाँ पे, फिर मृदा भी जो है नित्य तत्व भी नहीं है अनित्य तत्व बैठा हुआ है और वो अजय नहीं है और उत्पत्ति भी होते हैं। इस प्रकार से जो है व्यतिरिक्त दृष्टांत में जो आपने हेतु और साध्य दिया जो वहाँ पे जो है उसको लगा के बैठाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे भेद रहित नहीं है भेद बैठा हुआ है इसमें मृत्यु का और उसमें जो है सावयवत्व अनित्यत्व और जन्म रहित जत्व बैठा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो कहते हैं न परमार्थ तो नील अवयवत्व आत्मा परमार्थ दृष्टि से आत्मा नील अवयव होने के कारण उसमें से कोई वस्तु को उत्पन्न होना संभव नहीं है। अब बोलते हैं नील अवयवत्व अभी वस्तु न सुपूर्ण धर्मतम आशंक आह, नील अवयव हो कोई बात नहीं परंतु स्फुटन धर्म मतलब विभाग धर्मत्व भेद अधिकरणत्व भेद का अधिकरण होने के कारण भेद का अधिकरण होने के कारण उसमें जो है विभाग धर्म वाला वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा ऐसा है। स्फुटन धर्म पांच नंबर की स्फुटन धर्मत्म विभाग धर्मत्म मतलब भेद अधिकरणत्म, एक हो गया धर्म एक हो गया धर्मी है ना, वो जो है वो धर्म में भेद का अधिकरण है इसलिए वहाँ भी भेद आ जाएगा ऐसा करके कहते हैं। पूर्ववा की आशंका करते हैं यहाँ पे नील अवयवत्व ठीक है अपने आप में नील अवयव हो वस्तु नो वस्तु स्फुट न धर्म आशंक वहाँ पे जो है कि भेद के अधिकरण होने के कारण वहाँ पे भी भेद हो जाएगा वहाँ पर बढ़ना घटना भी हो जाएगा। बोलते ऐसा वहीं तो होना संभव है जहाँ पे वस्तु सवयव हो जाए, सवयव ही अवयव अन्न भिन्नति सवयव वस्तु अवयव में भिन्नता के कारण अलग अलग करके प्रतीति होता है। एक मैं अपने में देख लूँ कि शरीर एक सवयव वस्तु है अवयव में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए हमारे इसी शरीर में आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आ जाता है अवयव में भिन्न मतलब परिणाम के कारण ऐसा प्रतीति होती है और भेद के भी प्रतीति होता है, परंतु अंदर जो बैठा हुआ है जिसमें कुछ नहीं है वो मैं शुद्ध मैं वो एक ही है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, इसलिए सवयव ही अवयव अन्न थकन जो सवयव वस्तु है अवयव में विकार के कारण वो अन्न रूप में विशेष रूप में दिखाई पड़ता है। दृष्टांत क्या दिया यथा मृत भटादि भेद ही एक ही मृतिका है परंतु सवयव वस्तु है तो मृतिका के ऊपर कार्य रूप में घटा हो भरा हुआ कुल्हड़ हुआ तस्करी हुआ फिर आपके बड़े बड़े जो मटका होते हैं वो ये सारे चीज जो है क्या होता है उस मृतिका की भिन्नता है ना, क्योंकि मृतिका सवयव वस्तु है इसलिए इस प्रकार से उसके आकार में परिवर्तन होना संभव है।
उक्त अनुमान निगमयति, इस प्रकार जो अनुमान वहाँ पे दिया गया है उसका प्रशंसा करते, क्या अनुमान दिया, एक भेद, जहाँ भेद दिखेगा वहाँ मिथ्या है और जहाँ पे भेद नहीं है वही पारमार्थिक सत्य है। उक्त अनुमान निगमयति, जिस अनुमान को यहाँ पे कहा गया उसका भी प्रशंसा करते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं, तस्मात है ना, तस्मात मीन अवयव अजम अन्यथा न अन्यथा कथन चल कैचित विप्रकार न भिन्नते अभिप्राय, दो बार नया इसमें तस्मात नील अवयव अजम, इसलिए इसके एक नंबर के पढ़ने के सात अवयव भेद जगत्वा, सावयव वस्तु में भेद होना संभव है, नील अवयव वस्तु में भेद होना संभव नहीं होने के कारण, नील अवयव वस्तु में भेद नहीं होने के कारण नील अवयव अजम आत्मा जन जन्म रहित अवयव रहित आत्मा अन्यथा कथनचन केनचित भी प्रकार अन्यथा शब्द का अर्थ कर दिया, कथनचन मतलब केनचित भी प्रकार किसी भी प्रकार से न भिन्नते, न के साथ भिन्नते का अन्य अन्यथा शब्द का अर्थ कर दिया, कथनचन किसी भी प्रकार से केनचित भी प्रकार मतलब किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो न भिन्नते उसमें भेद होना संभव नहीं है, जिसमें नील अवयव वस्तु सावय वस्तु में ऐसा होना संभव है, इसलिए अभी वहाँ पर जो अन्यथा पद आया हुआ है अन्यथा पद के अर्थ करते टीका करते तो तस्मात अन्यथा परमार्थत्वेन इति अर्थ है ना, पारमार्थिक दृष्टि से भेद कभी बन सकता अन्यथा भेद होना कथन चल, पारमार्थिक दृष्टि से भेद कभी भी होना संभव नहीं, यहाँ पे जब दो बार बोला एक न अन्यथा और न भिन्नते मकार पे एक सेंटेंस में पुनर्नय अनुकर्षणम अन्वयार्थम, ठीक है, वहाँ पे कमा है पुनर्नय अनुकर्षण, दोबारा न न दिखाया है ना, दोबारा नकार को लगा रहे न अन्यथा कथन चल, इस नकार को अंदर दिखाने के लिए न को दोबारा लिखा गया भगवान भास्कर के द्वारा, पुनर्नय अनुकर्षण दोबारा उसको जो अनुकर्षण किया मतलब उसको लाया गया है, उसके पीछे क्या कहता है अन्वय अर्थ अन्वय करने के लिए, वहाँ पे छः नंबर टिप्पणी है इसके ऊपर अन्वय अर्थ अन्वय भिद्यते क्रियापद है ना, अन्वयार्थम मतलब नय को दोबारा क्यों लगाया गया है, इन क्रियापद के साथ उसका अन्वय होगा, न भिद्यते किसी भी प्रकार से उसमें भेद होना संभव नहीं है, इति अभिप्राय उसका अभिप्राय। अच्छा भाई आगे और क्या बोलते हैं, ठीक है, कार्य धर्मत्वम अंशत्वादि अत्र प्रकारो अभिप्रेत, जो प्रकारेण प्रकारेण प्रकार से क्या लेना है, मिला भाष्य में प्रकारेण तो उसका अर्थ होता है कार्य धर्म अंशत्वादि, कार्य का धर्म क्या है, सावय होता है अंश होता है विकारी होता है परिच्छिन्न होता है नाशवान होता है, कार्य का धर्म है, इस प्रकार के धर्म कार्य धर्म इन प्रकारेण इस प्रकार से अंशत्वादि अत्र प्रकार इस प्रकार से ये अभिप्राय है, प्रकार शब्द से ये अभिप्राय, कार्य की किसी प्रकार की धर्म आत्मा में कार्य में जो भी कोई धर्म दिखाई पड़ता है वो धर्म आत्मा में माया से भिन्न प्रकार दूसरी किसी प्रकार का आत्मा में देखना संभव नहीं है, माया से दिखाई देते देख सकते हैं, है ना, जिस प्रकार देखिए कि इसी टेबल के ऊपर जब आप एक स्वच्छ एक कांच का टुकड़ा रख देंगे स्फटिक रख देंगे तो क्या इस कृष्ण में देखेगा वो भगवा रंग के लिए स्फटिक को, जैसे स्फटिक के साथ इस भगवा कपड़े का कोई संबंध नहीं है परंतु वहाँ पर अध्यस्त होकर जो प्रतिदिन ठीक किसी प्रकार आत्मा में कभी भी किसी प्रकार से जो है किसी गुण आदि के साथ होना संभव नहीं है, परंतु वो इतना स्वच्छ वस्तु है वो उसका प्रकृति के साथ आकर के उसको गुण है जैसा प्रकृति होती है, इसलिए बोलते हैं तस्मात नील अवयव अजम दान तथा कथन चल केनचित भी प्रकारेण प्रकारेण मतलब कार्य धर्म तो अंशत्वादि अत्य प्रकार अभिप्रेत प्रकार शब्द के द्वारा कार्य के धर्मों के यहाँ पे कहना चाहते हैं, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, बोलते क्या हो जाएगा तब जो आपने जो प्रतिज्ञा किया तब प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, प्रतिज्ञा आपने क्या कि आत्मा अजय है और आपके अभी क्या करो आत्मा से जन्म आत्मा में जन्म हुआ तो प्रतिज्ञा है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विपक्षे दोषम बदन द्वितीयार्थम विप्रणोति, विपक्षे मतलब यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्या दोष होगा उसको बोलते हुए द्वितीयार्थम मतलब श्लोक में आया हुआ द्वितीयार्थ तत्व विद्यमान ही मर्तकाम अमृतम परिश्रम की जो द्वितीयार्थ है उसको व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार, तीन नंबर टिप्पणी विपक्षे तत्व भेद अभ्युपगमे, हमने भेद माना कैसा माना मायिक भेद माना,
अतुल तात्विक भेद मानना चाहते, विपक्ष हो गया, स्वपक्ष क्या है माइंड भेद, अविपक्ष क्या है तात्विक भेद। इसलिए आप तात्विक भेद मानोगे तो क्या आप दोषों का उसको बोलते हैं, तो बोलते हैं विपक्ष मतलब तथ्य तो भेद और विपक्ष में, स्वपक्ष हो गया हमारा माइंग भेद, अविपक्ष हो गया तात्विक भेद। तात्विक भेद मानने पर क्या हो जाएगा, दोष विपक्ष दोष ऐसा तात्विक भेद मानोगे तो द्वितीय अर्थ विपण तो उसका उत्तर देते द्वितीय अर्थ को बोलते हैं तत्व विद्यमान ही मर्तता अमृतम रजे। यदि तात्विक भेद मानोगे तो आपने जो प्रतिज्ञा किया कि जो अमर आत्मा अमर है और आप क्या हो जाएगा उसको उत्पत्ति हो जाएगा, जिसके न्याय क्या है जात से ध्रुवम ध्रुवम जन्म जो पैदा होगा वो मरेगा ही मरेगा, उत्पत्ति होगा नाशवान भी होगा, आपने प्रतिज्ञा क्या किए थे अविनाशी है जन्म रहित है, अब क्या हो जाएगा परिचय तात्विक भेद मान कर इसी न्याय को बोलते हैं विपक्ष दोष बदन द्वितीयार्थम विपण तत्त्वतो विद्यमान ही। यदि तात्विक भेद मानोगे तो तत्त्वतो विद्यमान ही अमृतम अजम अव्ययम जो जन्म मृत्यु से रहित है, जो जन्म रहित है जो इमोर्टल अजम अमृतम तो इमोर्टल है ना, अजम मतलब बर्थलेस जन्म नहीं है, इस प्रकार जो भेद रहित तत्व है स्वभावत स्वभावत जो ऐसा है वो स्वभाव से क्या हो जाएगा मरणशील हो जाएगा, स्वभावत के बीच में रहता है जो स्वरूप से ऐसा है, यदि आप उसमें ऐसा मानोगे तो स्वरूप से उल्टा मानना पड़ेगा, तो स्वरूप से जन्म वाला ऐसा मानना पड़ेगा। जब दृष्टांत क्या दिया वहाँ पे तथा अग्नि शीतताम, ठीक है ना, जैसे अग्नि में संयुक्त धर्म नहीं है, संयुक्त धर्म किसका जल की है ना, अपने में आपको शीतला कारण का धर्म दिखाई देने लग जाएगा, यदि स्वभाव परिवर्तन करना संभव हो जाए तो ऐसा स्थिति आ जाएगा, तो बोलते ऐसा होगा तो मान लेंगे, ऐसा मानोगे व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, भगवान ने जो बनाया यदि उस सिद्धांत को हम थोड़ा भी इधर उधर करने का प्रयास करते ना तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आपने किसी चीज़ की मान्यता दे करके हमने कोई घूमने गया और साथ में कुछ हमने सब सामान ले गए कि वहाँ जाके खाएंगे स्वभाव को बदल दीजिए, पता हुआ चीज सर जाते हैं किंतु जन्म लिया पैदा होना शो है तंतु भाग की वस्तु क्या आपने ले गया तो नरम वस्तु उसका स्वभाव बदलना है तो कठोर हो गया, ठंडे में जाकर और कठोर हो गया, आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अपनी व्यवहार इसलिए बताए कच्छ अनिष्टम, यदि ऐसा करोगे ना किसी भी वादी का ये इष्ट नहीं है, कोई भी वादी ये मान नहीं सकता, क्योंकि तब व्यवहारिक युक्ति संगत है स्वभाव वैपरीत गहनम, इसकी जो भाव है स्वभाव है ना, इसकी जो भाव है स्वभाव अध्यात्म से क्या समझ, इसकी जो जो भाव है कहते हैं सृष्टि समझते हैं जो स्व है वही भाव है ना, उसका क्या इसमें यह वैपरीत गमनम यहाँ पे विपरीत भाव जो प्राप्त है ये अनिष्ट हो जाएगा, विपरीत भाव को प्राप्त करना अनिष्ट हो जाएगा, क्यों तो व्यवहार नहीं चलता, केवल इतना ही नहीं सर्व प्रमाण विरोधा समस्त प्रमाण जो हमारे प्रत्यक्ष भी प्रमाण के द्वारा व्यवहार करते हैं ना, व्यवहार से प्रमाण विरोधित हो जाएगा, हम प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देते हैं कठोर है तो कठोर ही नहीं करो मैं इसका धर्म है, अग्नि के धर्म उष्णता तो उष्णता है, जाति धर्म शुद्धता तो शुद्धता है, चीनी के धर्म मीठापन है मीठापन है, नमक के धर्म नमक खाने के नमकीन खाने के नमक खाने खड़ी परिवर्तन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं इसलिए जब आपका समस्त प्रमाण के साथ भेद हो जाएगा सर्व प्रमाण विरोधा, इसलिए बोलते हैं नहीं प्रत्यक्ष आदि वन्य आदि केशु शादी का विषय ही करते प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वन्य आदि हो गए, वन्य में उष्णता जल में वन्य में शीतलता जल में उष्णता इस पर धर्म अपने लिखा के विषय ही करते हैं प्रत्यक्ष आदि वन्य का केशु मतलब वन्य आदि में शीतलता आदि से क्या लेंगे जल में उष्णता उल्टा उल्टा करते ना विषय विषय करते प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध नहीं होता, इसीलिए क्या हुआ विवर्तवादों को समझ, इसलिए विवर्तवादी आपको मानना पड़ेगा, मतलब माया अतात्विक अन्यथा भाव, विवर्तवाद क्या है अतात्विक अन्यथा भाव, तत्व तात्विक रूप से कोई परिवर्तन नहीं है पर भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं विवर्तवाद, तात्विक अन्यथा भाव हो गया परिणाम है ना, जो अपने आप में परिणाम होगा जैसे बोलते हैं तस्मा जो विवर्तवाद उपसन करेगी, जो होते अजम अव्यय आत्मतत्व से अजन्म रहित व्यय रहित जो आत्मस्वरूप है आत्मतत्व जो तत्व सच्चाई है माया या एवं भिन्न देना, तो माया से जो है भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, न परमात्मा तो परमात्मा की दृष्टि से वहाँ पर कोई भेद नहीं है, वहाँ पर कोई भेद नहीं है, स्थित विवर्तवाद इस प्रकार से विवर्तवाद सिद्ध हो जाने पर फलितम अहम निष्कर्ष क्या निकला
तस्मात् न परमार्थस्य द्वैतम्। इसी को लेकर विवाद हो रहा है, इसलिए द्वैत कोई पारमार्थिक शब्द वस्तु नहीं है। शांतम शिवम द्वैतम, द्वैतम अशांतम, ये जो है आर्थिक अर्थ है। जब श्रुति कहते हैं क्या कहते हैं, शांतम शिवम अद्वैत, है ना, अद्वैत भावी जो है शांत और कल्याणकारी है, मन को आनंद दिया है। इसका विपरीत क्या है, अद्वैत अशांतम अशुभम, द्वैतम अशांतम अशुभम, अद्वैत शांतम शिवम, यानी कि द्वैतम अशांतम अशुभम। दिखाई पाते हैं हमको ध्यान कहते हैं भेद को भी पारमार्थिक मानते हैं, अभेद को भी पारमार्थिक मानते हैं, है ना। मतलब व्यवहार काल में भेद पारमार्थिक है और मुक्ति काल में अभेद पारमार्थिक, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानने वाले बात है। और क्या है, जन्म होता है मरता नहीं है, ऐसा मानने वाले। तो इन लोगों के पक्ष को थोड़ा सा उठाकर ये बोलते हैं भाई, इस प्रकार जो है मतलब विपरीत धर्म को मानना ही संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए काफी को ध्यान दे रहे हैं, स्वपक्षम उक्त्वा, इस प्रकार वेदांतिक पक्ष का विवर्तवा, अपनी पक्ष को कथन करके स्वविरुद्ध पक्षम, अपनी मतलब वेदांति के स्वयुद्ध मतलब जरा सेम कैटेगरी, हमारे ग्रुप में यहाँ पे बैठते हैं हम भी वेदांति है, हम पूरा वेदांत को नहीं मानते, वेदांति एक दिश घट्टभाष करते हैं, स्वयुद्ध पक्षम अनुभाष्य, उसके पक्ष को अनुवाद करके उसमें दोष देते हैं, अनुवाद करके दोष देते हैं। चार नंबर टिप्पणी, स्वयुद्ध पक्ष संसार दशायां द्वैतम सत्यम, मोक्ष दशायां तु च अद्वैतम, इति द्वैत अद्वैतवादी वेदांति एक देशीनां मतम इति। ठीक है, ये भाई ऐसा ही मत हुआ, आप देखना हमारा इसमें ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय चतुर्थ पाठ में आया है, समकालिक भेदाभेद पर और कालांतर में भेदाभेद पर और परमार्थिक अभेद पर, और काश्य कृष्ण और समकालीन भेदाभेद भेद भी अभेद भी दोनों मानते हैं और कालांतर भेद भी मानते हैं, व्यवहार काल में द्वैत है और मुक्ति काल में अद्वैत है। और वेदांत है अस्मृत आचार्य बोलते हैं हमेशा ही अद्वैत है, भेद उसका भी वर्तव्य मानने वाले हैं। तो ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में हमको लगते हैं ये जो आत्मा वाले पृष्ठ को स्वतंत्र मंत्र प्रति दशित इस बात को लेकर के ध्यान देते हैं, वहाँ पर ये तीन प्रकार बात हो जाती है। सूत्रकार ने सूत्र रचे तीन बाती का ये मत है, इस बाती का ये मत है, वो इसी के मैत्री ब्रह्मन है नारे पत्र का हमें, तो हम अपने जीव को दिखा करके बोल रहे हैं, इसलिए वेद शब्द है ऐसा करके परिवर्तित माना। तो उस मत को उठा करके फिर हमारे सिद्धांत के पक्ष में स्वयुद्ध पक्ष मतलब इस बोलते वेदांति युद्ध मतलब है ग्रुप, स्व मतलब अपने ग्रुप में बैठने वाले हैं, अगर तो पूरा नहीं मानते हैं, उसके बोलते स्वयुद्ध पक्ष विधि संसार दशायाम द्वैतम सत्यम, मतलब संसार दशा में द्वैत सत्यम और मोक्ष दशायाम से अद्वैत, मुक्ति अवस्था में अद्वैत सत्य। इस प्रकार से द्वैत अद्वैतवादी पर भेदाभेदवादी है ना, भेद द्वैत अद्वैत मतलब भेदाभेदवाद, भेदाभेदवाद वेदांति एक दृष्टि मतलब वेदांति एक दृष्टि का माध्यम को जबर करके इसको बोलते हैं स्वपक्षम उठवा, अपने पक्ष को कथन करके स्वयुद्ध पक्षम अनुभव, अपने ही वेदांति एक दृष्टि को मत को अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं। श्लोक अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो भावो मर्त्यताम् कथमेष्यति मध्यताम कथमेश्यति
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो यं मृतो भावो मर्त्यताम् गतयेष्यति। एक विद्यमान वस्तु जो जन्म रहित है, किसी जन्म होना संभव है, और एक बड़ा मेरा भी बोलते हैं मतलब वो अजन्म से रहित ही है। अजात से एक भाव से जाति में चंद्र का दिन उसके उत्पत्ति होते ऐसा ही ना मैंने से होता जाति में चंद्र बाद में इस प्रकार बोलने वाले का वादी प्रथम बोलने की इच्छा की जन्म को बोलने की इच्छा रखने वाले लोग हर जरा सोच कर बोलो आपने प्रतिज्ञा किया क्या अजातस्य भावस्य इसी होता है अजात ये अमृत भाव अजात में क्या होता है जो अजो वस्तु होता है वो अमृत होता है मतलब इमोर्टल होता है मतलब मृत्यु से नहीं होता है परंतु जैसे ही आप उसको अजो मानव क्या हो जाएगा वो मृत्यु से जुड़ जाएगा कि जो अमर है उसको आप मृत्यु से जोड़ करके क्या सिद्धांत होगा आपने प्रतिज्ञा किया वो अमर है फिर बाद में उसको मृत्यु के साथ जोड़ना भी चाहते मर्तता प्रथम स्थिति वो मरणशील कैसे हो सकता है मर्तता मतलब मृत्यु मरणशील वस्तु के धर्म बोलते हैं मर्तता है ना उसके बाद धर्म मरणशीलता कथन ईश्वर की मरणशीलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कैसे हो सकता है आपने प्रतिज्ञा किया ये जो कैसे प्रतिज्ञा किया आप देखना भगवान गीता की बात को ऊपर खान भाष्य को प्रतिज्ञा किया एक और बात व्याख्या करते समय जो उसको भूल जाए मन के आने में भूल जाते हैं भूल जाता है यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं अजातस्य भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः और जन्म रही कोई भाव वस्तु में फिर जन्म को बोलने की इच्छा रखने वाले के पक्ष में ये दोष आता है कि पहले तो आप बोला जो अजय होता है वो अमृत होता है और फिर मरणशीलता कैसे पैदा जो अमर भाई वो फिर मरणशील कैसे हो सकता है यानी कि आपका बोलने में दोष आपका व्याघात दोष है आपका सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाता है इसको लेकर के ये हो गया श्लोक का अर्थ आप क्या इसके ऊपर अभी लंबा चल रहा है कुछ असामान्य जो बोल करता है हो गया छोटा छोटा अनुवाद भागम विभजते अनुवाद भाग को अलग करके दिखाते हैं जो पूर्ववादी उस पार्टी का जो अनुवाद भाग मतलब तो वेदांती एक दृष्टि जो मानता है वेदांती एक दृष्टि जो मानता है उसको अनुवाद करके दिखे अब ऐसा मान करके फिर ऐसा कहना तो दोष हो जाता है इसलिए बोलिए अनुवाद भाग मतलब जिसको जो ऐसे उस पार्टी जो माना उस भाग को दोबारा बोलने का तो अनुवाद था कुछ विभाजन करके दिखा दे मतलब अजातस्य भावस्य जातिमिच्छन्तिवादिनः अनुवाद आप हमने प्रतिज्ञा लिखा हुआ है पुस्तक में अनुवाद भागम विभाजन के बाद प्रतिज्ञा क्या लिखा है ये तो इति और मूल में भाष्य में पहला शब्द क्या तेतु लिखा हुआ और प्रतिज्ञा दिया है हाँ ये तो इस पुस्तक में ये तो है तो ठीक है जिसके पुस्तक में ते लिखा हो उसको संशोधन कर दिए ते की जगह पे ये हो जाए प्रतीक में आता ये तो पर और जो लोग तो ऐसा मानते हैं पुनः ये तो ये और के चीज के साथ मतलब जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं है ना ये है प्रथमा भोगन है फिर के चीज मतलब जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कहते हैं कुछ उपनिषद व्याख्या कर और लोग उपनिषद का भी व्याख्या करते हैं ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति है परंतु भगवान ब्रह्मवादी न अपने को वेदांत देव बोलते हैं ब्रह्म के बारे में कहते हैं अब एक विशेषण द्वारा खराब होती है बाबा दुखा अधिक बोलने वाले बाबा दुखा बोलने वाले वाचा जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अधिक बोलते हैं तो मतलब ठीक से पूरा नहीं समझ से पहले बोलना शुरू कर देते हैं माता एक मिनट माता हूँ तो लगता है वो मतलब दूसरा कि दूसरा तक उनका ये सिद्धांत है कि चुप साधने सबसे बड़ा अच्छा साधन है मतलब जिसके बारे में बोला नहीं जाता तो उसको यदि अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा मतलब निष्पक्षता के साधन ही सबसे अच्छा साधन है उर्दू मतलब सामान्य
ब्रह्मवादिन बाल उनका ब्रह्म के बारे में कथन करते हैं आज बिना समझे अधिक बोलते हैं। अजातस्य एव है ना, क्या होता है जो जन्म रहित है उसका ही आत्मतत्वस्य अमृतस्य, जो आत्मा के अंदर जो सच्चाई है जो अमृत रूप है स्वभाव अनुपाती भाई उसका ही नहीं था स्वभाव से जो अमृत में फिर उसमें जाति उत्पत्ति उसमें मतलब उसकी उत्पत्ति उसी से उत्पत्ति अथवा उसकी उत्पत्ति ऐसा वो लोग मानना चाहते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं दसमान पाई दसमान आत्मा आकाश संबंध तो आत्मा से उत्पन्न हुआ आत्मा से उत्पत्ति होता है मतलब आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए बोला जिस प्रकार व्यक्ति का ही घर रूप उत्पन्न हो व्यक्ति का ही तब तक कोई रूप उत्पन्न हो इसी प्रकार से आत्मा जो है जीव रूप उत्पन्न हो ऐसा मुझे न हो जाति उत्पत्ति निच्छति परमार्थ थे वो हर बार उस सृष्टि को परमार्थिक मानते हैं इसलिए भेद परमार्थी का उनके पक्ष में परमार्थ एक तेषा जाते चेत यदि उन प्रकार का इस आत्मा में जन्म धर्म रह जाएगा तदेव मर्तकम निश्चित अवश्य यदि वो जन्मशील होगा तो क्या हो जाएगा मृत्यु को उसका अवश्य मृत्यु अवश्य एवं इस परमार्थ का एवं कम करना तो वहाँ भी वो परमार्थिक मानते हैं उसको सृष्टि तेषा उन लोगों का जाते चेत यदि ये आत्मा जन्म कैटेगोरी में आ जाएगा है ना जन्मशील होगा तब एव उसी समय तदा एव मर्तता में शरीर तब कह जाएगा और आत्मा की मरणशीलता का भी मान्यता देगा अवश्य तो निश्चित ही उसका आत्मा में मरणशीलता धर्म को भी मानना पड़ेगा। सच अजात ही अमृत भाव स्वभाव दशा आत्मा प्रथम मर्तता में शरीर इस प्रकार इस समय आपने प्रतिज्ञा किया आत्मा अज है फिर आपने कहा उसे आत्मा उत्पन्न होगा जैसे ही आपने आत्मा को उत्पत्ति के बारे में कथन करके मतलब आपने उसमें मरणशीलता धर्म दिखा दिया। जब आप बताओ आपने पहले प्रतिज्ञा किया कि आत्मा में मृत्यु नहीं है फिर बात में आपने देखा तो आत्मा मरणशील धर्म को दिखा ये आपका व्यवहार दोष है। सच अजात ही अमृत भाव जो जन्म नहीं है और ये मॉडल है जो अमृत भाव को प्राप्त किया बाकी स्वभाव तो शांता है अपने अपनी प्रकृति से वो ऐसा होते भी न आत्मा प्रथम मर्त्यता निश्चित सन आत्मा प्रथम मर्त्यता निश्चित नॉन एक कहीं उसको दिव्य हो गया वहाँ पे आत्मा कैसे जन्म नहीं मतलब मृत्यु से नहीं वस्तु मृत्युशीलता कैसे उसके अंदर आ जाए मरणशीलता कैसे उसके अंदर आ जाए कथम मर्त्यता निश्चित न कथम जन मर्त्यता में किसी भी प्रकार से मरणशीलता को प्राप्त नहीं कर सकते क्यों स्वभाव वैत्र परिवर्तन विश्लेषण स्वभाव की विपरीत होना संभव नहीं पहले कोई करके आया कोई भी व्यक्ति तत्व अनिष्ट स्वभाव विपरीत गमन स्वभाव की विपरीत गमन अनिष्ट है इसीलिए स्वभाव वैत्रिक परिवर्तन ईश्वर का हमारा ये मान्यता हो जाएगा कि वो आत्मा नामक वस्तु स्वभाव को परिवर्तन करता है स्वभाव अपने जो भाव उसको यदि परिवर्तन करके वस्तु परिवर्तन हो जाएगा वो आत्मा ही रह जाएगा इसीलिए हम कहते हैं सच अजात ही अमृत भाव वो जो है जो जन्म रही जो अमरत धर्मी है स्वभाव अपने स्वरूप से ऐसा है वो आत्मा प्रथम मर्तता में वो आत्मा कैसे मर्तता मरणशीलता को प्राप्त कर सकते हैं न कथन जन मर्तता किसी भी प्रकार से उसके अंदर मरणशीलता होना संभव नहीं है न स्वभाव वैपरीत ईश्वर स्वभाव कभी विपरीत भाव को प्राप्त नहीं कर सकते है ना यदि उसका स्वभाव है वो हमेशा उसी रूप में रहते इसमें कोई मतलब विशेष सामान्य लोग बोलते जा रहे अन्य बातें भी मन को उठाता है उसका ध्यान रखना है। अब देखिए हमें स्वभावत एव टीका में स्वभावत एव अजातस्य स्वभावत एव अमृतस्य च आत्मतत्वस्य परमार्थत एव जाति उत्पत्ति ये स्वरूपा स्वीकुर्वन्ति जो अपनी स्वरूप से स्वभाव एवं अजातस्य मतलब जो जन्म से अपने स्वरूप से जिसमें अंदर जन्म राहित है स्वभाव के अमृत स्वभाव से जो है अमरण धर्म वाला है जो आत्मदत्त है उस आत्मदत्त का और पारमार्थक एवं जाति उत्पत्ति इसमें उस उत्पत्ति भी पारमार्थिक मानते हैं उसका अमरणशीलता पारमार्थिक है और उत्पत्ति भी पारमार्थिक है तो हम लोग उत्पत्ति मानते हैं मैं उत्पत्ति मानते हैं स्वीकार करते हैं वो लोग जो है मतलब अपने सिद्धांत को भी खंडित कर दिया है खंडित कर दिया भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु इति न्यायेन पूषयति। कहाँ के हैं भगवत गीता जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव। इसलिए जब आपने पहले उसको अमर कहा फिर बाद में कहा था वो जन्म लिया, यानी कि आपने आपका दर्शन को अपने प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, जन्म लिया मतलब वो मरण शुरू हो गया। इस दिन जातस्य ध्रुव मृत्यु इति न्यायेन इस युक्ति के आधार पर दूषयति। इसलिए एक युक्ति है जब कृतकम तब अनित्यम, जो कृति शर्त होता है वो अनित्यम होता है। तेषां जाते चेत यदि उनकी सिद्धांत के अनुसार आत्मा फिर जन्म मरने वाला हो जन्मने वाला होगा तो मरने वाला मरने वाला भी निश्चित। तेषां जाते चेत तदेव भक्तकाम इष्यति अवश्य निश्चित वो मरण शुरू को ही प्राप्त कर जाएगा। अजात ही इत्यादि अक्षराणी उत्पत्ति योजयति। सेकेंड लैंग्वेज अजातो ही अमृत भाव मर्तताम कथमिष्यति। ठीक है ना, जो जन्म रहित है वो फिर मरणशीलता को कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए बोलते हैं अजातो ही, सेकेंड है अजा प्रति अजातो ही इत्यादि अक्षराणी। इस प्रकार द्वितीय श्लोक के द्वितीय अर्थ में आए हुए जो पद है उन पदों को उक्ते अर्थ जिस विषय को प्रतिपादन किया है यहाँ पे, क्या प्रतिपादन किया, जो जन्म से नहीं जाए वो फिर मरने वाला नहीं हो सकता, जो जन्म से रह जाए वो मरने वाला नहीं हो सकता। और यदि मरने वाला मानते हो तब आपको जन्म अजो नहीं कह सकते, वो तब जन्मने वाला होगा तो मरने वाला नहीं हो जाएगा। तो अक्षरानी उगते अर्थ विरोध यदि जिस अर्थ की हमें प्रतिपादन जिस विषय में हमें प्रतिपादन करके आया उसी विषय में इसको अन्वय करके दिखाते हैं। उगते अर्थ इसको पहचान दिखाते हैं जब हैं उगते अर्थ जात अमृतत्व असंभव रूपे अर्थ है ना, जो पैदा हुआ और वो अमर होगा ये अर्थ होना संभव नहीं। जात पैदा होने वाले व्यक्ति का अमृतत्व मतलब वहाँ का अमृतत्व के धर्म बैठ जाए तो असंभव रूपे अर्थ असंभव रूप अर्थ में यह जो पहले का था उसी को यहाँ पे दिखाती है। तब क्या हो जाएगा, तब प्रतीक कहानी हो जाएगा, व्यवहार दोष आ जाएगा। जिस आपने मतलब व्यवहार को मतलब सिद्ध करने के लिए आपने मूल सिद्धांत को भी बिगाड़ दिया, आत्मा जन्म नहीं जाए आत्मा विकार नहीं जाए आत्मा मृत्यु नहीं जाए, आपने भेद को सिद्ध करने के लिए मूल सिद्धांत को भी बिगाड़ दिया। ये आपकी सिद्धांत इसको लेकर के बोलते हैं कि टीका है पदार्थानाम स्वभाव वैपरीत मनम अनुपबन्धम अनुपबन्धम इति उक्तम प्रपंचयति। पदार्थानाम स्वभाव वैपरीत गमनम किसी भी पदार्थ का अपने स्वभाव से विपरीत हो जाए बिल्कुल ये होना संभव नहीं। ये यदि होता है तो एकमात्र मनुष्य हो सकता है, बाकी किसी में जो है संभव नहीं। एकमात्र मनुष्य हो सकता है स्वभाव बिल्कुल विपरीत हो जाता है, बाकी व्यवहारिक भाई मजाक के लिए ना बोले पदार्थानाम स्वभाव वैपरीत गमनम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका हम एक दो बार और भी बोलते हैं ताकि आपको निश्चय हो जाए अभ्यास बिंदु हो जाए। न भवत्यमृतं मर्त्यं न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं अमृतं तथा न मर्त्यं अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति न कथञ्चित् भविष्यति समर्थन किया भगवद्गीता तृतीय अध्याय है ना, सदृश चेष्टते शाश्वत प्रकृति ज्ञानवान अभी प्रकृति जाति भूतानी समस्त भूत अपनी प्रकृति को अपना चलता प्रकृति को परिवर्तन ज्ञानवंत के लिए अपनी प्रकृति के समान चेष्टा करते हैं। आज कैसा समान होगा दोस्त पता और जैसा आपका प्रकृति है बोलने का ढंग चलने का ढंग अपना प्रकृति बना हुआ है वो
इस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बोलते हैं अज्ञान की रुचि बोल रहे हैं, न भवति अमृतम मर्तव्यम, जिसका जो प्रकृति है जिसका स्वभाव है एक है हमारे यहाँ पे आत्मा को क्या बोलते हैं, वो जन्म रहित है, इसका स्वरूप ये जन्म रहित के बाद फिर जो है वो मरणशील बना दोगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता वो मरता भी नहीं, जिसका जन्म नहीं होता मरता भी नहीं। अब इसलिए आप ये जन्म तो नहीं होता परंतु मर जाएगा ये कहना जो मरण चित न भवति अमृतम मर्तव्यम न मर्तव्यम अमृतम, तथा जो मरणशील है वो इमोर्टल भी नहीं हो सकता, मरना जिसका स्वभाव है वो अमर हो जाए यही होना संभव है। अगर अमर आत्मा यानी ये वो शरीर जन्मशील है इसलिए ये हमेशा मरेगा, इसको लेकर कोई भी बात नहीं है, परंतु आत्मा में जन्म नहीं है इसलिए आत्मा हमेशा मर, आत्मा का अमृतत्व हमेशा सिद्ध हो जाए, कोई इसको लेकर विवाद भी नहीं है, सभी बात नहीं है, सही माना कुछ कुछ बात ऐसे हम आत्मा को अमर मानने में किसी का कोई विवाद नहीं है, बस उसमें जन्म भी मान देते हैं। अच्छा जब तुम मरना नहीं मानना चाहते तो जन्म क्यों मान रहे, जन्म लेगा तो मरेगा ही, इसीलिए अपना देखिए विचार करके अजातवाद जो वेदांत जो अजातवाद जो है ये कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति को आप जन्म लेगा तो मरेगा, हमारे पास जब एक ही आत्मा ही सत्य है उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है तो सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो जन्म नहीं जाए, क्योंकि उसको जन्म मानो तो उसको मरणशील भी मानना पड़ेगा, तो उसी ने किसी भी वादी ने आत्मा मरणशील नहीं माना, किसी का भी नहीं मानना चाहता, परंतु जन्म आत्मा सोच नहीं मानता तो कैसे न भगवती अमृतम मर्तम न है जो अमृतम मर्तम न भगवती मरणशील वस्तु अमरण धर्म वस्तु मरने वाला नहीं हो जाता है, और इसी प्रकार मरना स्वभाव है इसका वो अमृत नहीं हो सकता, क्यों ये तो प्रतिज्ञा करके हेतु ले रहे हैं, प्रकृति अन्नता भाव न प्रसंजित भविष्य हेतु है, प्रतिज्ञा का क्या है मतलब जो अमर है वो मर नहीं सकता, और जिसका मरना अनिवार्य है वो क्या होता है वो अमर नहीं हो सकता, शरीर के मरना अनिवार्य है वो अमर नहीं हो सकता, शरीर को बचाने के लिए इतना भी कोई प्रयास करे वो बच नहीं सकता, समय आने पर मरे नहीं जाएगा, और आत्मा को मारने का कोई जितना भी प्रयास करे तलवार से काट दूंगा हाँ करके जोर से हंस लिया, और आज तक संसार में ऐसा कोई अस्थिर पैदा नहीं हुआ जो नहीं होगा से वो और खबर है सुनकर पूरे तलवार के सामने ऐसा हंसने वाला कि वो न करते कुछ होगा, आज शरीर तो बूढ़े हैं मरना जाए तो मार को बूढ़े हैं इसे क्या बना तो जो मरना जिसका धर्म है उसको तुम क्या तुम्हारा क्या मार सकते तो मरेगा या अपना भी मरेगा, जो मर नहीं सकता उसको तुम मार भी नहीं सकते, प्रतिदेव अन्नता भाव न असंचित भविष्य जिसकी जो स्वभाव है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, प्रतिदेव अन्नता भाव न असंचित भविष्य किसी भी प्रकार से वो विपरीत भावना संभव नहीं है, इसलिए भी बोलते हैं भगत थाना समूह वैपरीत भावना अनुभव करना हो इसको कहते हैं कि उत्तम प्रपंच इसी को यहाँ पे विस्तार कर सकते हैं भगत के अमृतम न मतम तथा प्रतिदेव अन्नता भाव न देखो ये निश्चय यदि हमारे अंदर हो जाता है ना, जब मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय रहता है तो मृत्यु भय अपने आप छूट जाता है, मृत्यु भय अपने आप छूट जाता है, शरीर हो रहा है नहीं हो रहा है उसको लेकर जितना भी मन कर दूंगा घर में ऐसे है जाएगा एक निश्चय होना तो धर्मान के संस्कार को बैठा रहता है समझने पर भी चित्र कर भी वहाँ पर जीवन खड़ा होना चाहिए खड़ा होना चाहिए, इस प्रकार है जिंदगी की प्रभाव यदि किसी को कहे कि भाई तीन तो हमें थोड़ा थोड़ी देर उल्टा तैरना तो मुश्किल पड़ेगा केवल खड़ा होने की इतना मुश्किल पड़ेगा, समाज की विपरीत धारा में चल रहा है उसमें आप स्थिर होकर एक जगह में खड़ा होने मुश्किल पड़ेगा हमें जो पहला पहले श्लोक में पहला ना एक प्रतिज्ञा है उस जगह प्रतिज्ञा करने का हो ना कचित भविष्य ना बेहोते पूर्वार्थ
उदाहरण हेतु के रूप में दृष्टि से है। पहला धातु हेतु के रूप में कहते हैं, पांच नंबर के ऊपर में देखिए, मतलब उत्तरार्ध उत्तर, उत्तरार्ध उत्तरार्थ, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उत्तरार्ध में क्या आ गया, प्रतिदेय अन्यथा भावना कथनचित भविष्य, ठीक है ना, ये प्रतिज्ञा है और कौन है उसके लिए हेतु, इसके लिए उसके ऊपर जैसे हमारे वहाँ पे आया ना कि परिषद अभिज्ञातम विज्ञानतम विज्ञातम अभिजानतम, अभिज्ञातम विज्ञानतम विज्ञातम अभिजानतम, मतलब जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जाना, जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जाना, ये बिल्कुल उल्टा लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिज्ञा अर्थात जाता होना प्रसन्न भविष्य की जो प्रतिज्ञा बात है इसके हेतु के रूप में कहते हैं, तत्व पूर्वाग्रम हेतु तेना मैं कृष्ण पूर्वाग्र के हेतु के रूप जस्मात भवती जस्मात न भवती अमृतम मर्तम लोके न भी मर्तम अमृतम तथा जैसे क्योंकि न भवती नहीं होता क्या अमृतम मर्तम अमृतम मर्तम न भवती क्योंकि जो मरणशील है वो जो है जो अमर है वो मरणशील नहीं अमर अमृतम मर्तम न भवती दोनों ही यहाँ पे लेकर देता है ना, यहाँ पे जो मरणशील वस्तु है वो क्या है अमर नहीं होता है और जो अमर है वो मरणशील नहीं होता, मर नहीं सकता, ये लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। एक नंबर लोके लोके मतलब अमृतम आकाश आदि भाव कोई भी कहता है आकाश जो है अमृत है मतलब आकाश की आकाश नित्य वस्तु है, परंतु सूर्य ने तो क्या कहा तस्मान पे तस्मान आत्मा आकाश संपुक्त जिसकी उत्पत्ति भी और अमर हो जाएगा ये होना संभव है। लोग व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि जो मरण जन्मने वाला है वो मरेगा मतलब मरणशील जो है उसको मरना ही पड़ेगा और जो अमर है वो अमर ही रहेगा उसको नहीं कोई मार नहीं सकता, ये इसका मुख्य सिद्धांत है। तथा प्रकृति स्वभाव अन्यथा भाव सत प्रचिति न कथनचित भविष्य क्योंकि दो नंबर के ऊपर मतलब तथा अमृत आदि मर्तत्वादि असंभवा क्योंकि जो अमर धर्म वाला है वो मरणशील होना संभव नहीं है, इस कारण से तस्मात् जो अमृत रूप है वो मरण धर्म वाला नहीं हो सकता, अमृत कौन है आत्मा, इसलिए आत्मा से ही अजात बात के कितना बड़ा ढूंढ दिया गया है, लोगों ने कि अजात बात कैसे सिद्ध है, इतना सरल है कि आप क्या होता है यदि ये जात बात होगा तो अभी मरणशील हो जाएगा, कोई बागी ने आत्मा को मरणशील नहीं माना फिर भी उत्पत्ति मानने के लिए तैयार है आत्मा से उत्पत्ति मानने के लिए, तो कैसे हो सकता है, इसीलिए माया से प्रकृति मात्र है आत्मा में उसमें पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है। तथा दो नंबर टिप्पणी अमृत आदि मर्तत्वादि असंभव जो अमरण धर्म वाला है वो मरण मर्म धर्म वाला हो जाए होना संभव नहीं होने के कारण क्यों यदि क्या प्रकृति ही मतलब स्वभाव से जिसका जो स्वभाव है जिसके अंदर जो स्व है वही भाव है, दो प्रकार स्वस्व भाव स्वभाव स्वयं भाव स्वभाव, स्वस्व भाव से क्या हो जाएगा सृष्टि तत्व समास और स्वयं भाव हो जाएगा कर्म धारय समास, आत्मा में जो स्व है वही भाव है ना, इसलिए बोलते हैं स्वभाव जो जिसका भाव है उसका जो है अन्यथा भाव उसका विपरीत भाव होना उल्टा हो जाना स्वतः विपरीत भाव मतलब अपने आप जो है उसमें कुछ किसी प्रकार की विकार उत्पन्न स्वतः शब्द प्रयोग किया ध्यान देने आते माया से भिन्नता तो हम मानते हैं माया से अन्यथा भाव देखता ही हमारी मान्यता स्वतः अपने आप उसमें कोई परिवर्तन हो जाए ये होना संभव न कथनचित भविष्य प्रकार से वहाँ पे जिस प्रकार के परिवर्तन होना अपने आप में कोई परिवर्तन होना कभी भी संभव नहीं है, उपाधि के माध्यम से कोई परिवर्तन की प्रकृति हो रही है तो ठीक है हम मानते हैं उपाधि के परिवर्तन के कारण से आत्मा में कुछ परिवर्तन हुआ ये मान्यता मान सकते हैं, परंतु स्वतः अपना में कुछ परिवर्तन होना मतलब उपाधि परिवर्तन की प्रकृति स्वतः अपने आप उसी भाव में रहना ये जो हमारे मुख्य सिद्धांत कैसे बोलते हैं कि स्वतः प्रच्युति न कथनचित भविष्य अपने आप उसका प्रच्युति भी किसी भी अवस्था में होना संभव नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं स्वतः इस प्रकार मान लीजिए अग्नि सामान्य धर्म क्या है
उष्णता प्रदान करना जला है, परंतु कोई एक मणि अर्षकांत मणि बोलते हैं, चंद्रकांत मणि बोलते हैं, वो मणि को यदि हाथ में पकड़ के रखते हैं उसको जलाता है, अभी उसको नहीं जलाता, अभी उसको नहीं जलाता, मणि मंत्र औषधा दी गई तो शरीर में ऐसा कोई चीज आपने ले दिया जो आपको अभी स्पर्श नहीं करता है ना, मणि मंत्र कोई व्यक्ति ने मंत्र सिद्ध करके कुछ जैसे पानी में नहीं रुक जाता ऐसा, इसके द्वारा क्या होता है, इसको बोलते हैं मणि मंत्रादि प्रयोगजन्य शैत्यादि अपाकत्व उत्तम, मतलब क्या हो जाएगा, मणि हुआ मंत्र प्रयोग जन्य से क्या हो जाएगा, जो जल की शीतता उसको आप निराकरण कर सकते स्वतु परंतु पारमर्थिक नहीं कर सकते, उपाधि कमजोर उपाधि के कारण ऐसा परिवर्तन होना तो संभव है, परंतु स्व अपने आप में कोई परिवर्तन हो जाए ये संभव नहीं है। मणि मंत्रादि प्रयोगजन्य है ना, मणि मंत्रादि को प्रयोग करके अग्नि को ठंडा लगने लग जाता है, अग्नि आप नहीं जाता जल को जल के ऊपर चलते हैं, जल के ऊपर नहीं डूबते हैं, कई प्रकार से देखते हैं कि कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है, कुछ उपाधि के कारण हो सकता है, पारमार्थिक जल शीतल हो गया ऐसा नहीं हो सकता, स्वतः उपाधि कमजोर का था उपाधि को आश्रय करके जल शीतल है, ठीक है सभी व्यक्ति जानते हैं, हम उसमें आप अग्नि उपाधि जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जल में उष्ण का दिखाई देने लगते हैं, इसी पात्र में गर्म कर वो अग्नि के अलावा वही छोड़ा कि जल गर्म गर्म होता है, इसी प्रकार जो है आपने जो है बहुत गर्मी के स्थान में आपने फ्रिज में से निकल वो ठंडा लगता है, इस किसी प्रकार से उपाधि के कारण जो है वो भिन्न धर्म हो सकता है, स्वतः नहीं हो सकता, स्वतः शब्द होता है स्वतः प्रचुति न कथनचित हो, किसी भी प्रकार से अपने आप में कोई विपरीत धमा वाला हो जाए ये कभी भी होना संभव नहीं है। अग्नेर इव औष्णस्य, जैसे अग्नि की उष्णता का धर्म है, अग्निर औष्णस्य, देखिए अग्निर औष्णस्य मैंने अग्नि की जो उष्णता तो एक ही विभक्ति है, मतलब अग्नि उष्णता उसका स्वभाव है स्वरूप है उसका, उसका विपरीत धर्म होना संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आत्मा में मरणशीलता कभी भी संभव नहीं है, मरणशीलता कभी भी संभव नहीं है, मतलब आत्मा में उत्पत्ति भी कभी संभव नहीं, जब आपने आत्मा अमर माना अज अज माना अज अज माना तो आपको अमर भी मानना पड़ेगा, यदि आपने आत्मा को मरणशील मान लिया तो क्या हो जाएगा, आत्मा ने आपको पैदा हुआ माना, यानी कि आत्मा से कुछ पैदा हुआ माना तो आत्मा को आपको मरणशील भी मानना पड़ेगा, इसलिए अजातवादी वेदांत एक परमात्मा अजातवाद के बिना इसे सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, आत्मा को अमरणशील सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उत्पत्ति होना संभव नहीं, इसमें आगे देखिए उत्तरार्थम हेतु मतलब हो गया, यदि हेतु मतलब क्या हो गया कारण, और हेतु मत कारण वाला, कारण वाला ठीक है ना, तो उत्तरार्थम हेतु पहला भाग को तो आपने हेतु कहा तो किसी ने उत्तर भाग क्या हो जाएगा हेतु मत, हेतु वाला हो जाएगा, प्रतिज्ञा हेतु प्रतिज्ञा है, तो उत्तरार्थम हेतु मत उत्तरार्थ को हेतु वाला के रूप में अन्वय करके दिखाते हैं, हेतु वाला तो अन्वय करते भविष्य में जिसका जो प्रकृति है तो जिसका स्वभाव है वो उसका अन्यथा भाव अपने आप उसमें कोई विपरीत भाव हो जाए किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है, उसको समझा है यथा अग्नि स्वभाव भूतस्य औष्णतस्य अन्नथात्म अंतर शैत्य गमनम अधिकतम, ठीक है ना, यहाँ दृष्टांत भाव को समझा जैसे अग्नि का जो स्वभाव भूत अग्नि का स्वरूप भूत वह क्या है उष्णता, तथा अग्नि स्वभाव भूतस्य औष्णतस्य अग्नि का स्वरूप भूत जो उष्णता का जो धर्म है उसका अन्यथा भाव उसका विपरीत भाव मतलब शैत्य गमन शीतल हो जाए, ये जैसा युक्ति संगत है अयुक्तम, जैसे ये युक्ति संगत नहीं है तथा अयुक्तम तथा अन्यत्र उसी प्रकार से आत्मा में भी अन्य किसी भी स्थान में स्वभावस्य अन्यथात्म अनुचितम, स्वभाव में अन्यथा भाव ये कहना युक्ति संगत नहीं है, क्यों स्वरूप नाश प्रसंगा उसके स्वरूप का ही नाश हो जाएगा, वो स्वरूप से बदल ही नहीं पाएगा, स्वरूप नाश का प्रसंग हो जाएगा, यदि आत्मा में आपने प्रतिज्ञा किया कि आत्मा अज है और फिर आपने क्या करते हैं कि आत्मा से उत्पत्ति हुई तो यानी कि आत्मा की मरणशीलता आ जाए तो आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो, इस प्रकार से जिस वस्तु की जो स्वरूप होता है वो उससे कभी प्रचिति होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा निश्चय करना ही
हमारे विशेष का श्रद्धा करिए। जन्म मृत्यु की आत्मा की धर्म नहीं है, जन्म मृत्यु माई की प्रकृति है, किसी भी जगह चाहे अपने शरीर हो चाहे उसका शरीर, ये एक माइक है, प्राकृतिक है, उस शरीर पर शांति से प्रकृति हो तब क्या होता है धीरे 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 अपने स्वरूप का बोध निश्चय। अच्छा कल रात को जन्माष्टमी मनाया जाएगा तो कल सूर्य पाठ चलेगा, परसों सूर्य पाठ मना, कल सूर्य पाठ चलेगा, परसों सूर्य पाठ मना, अष्टमी को परसों मनाया जाएगा। जन्माष्टमी व्रत को तो काल जी के काल रात को ही मतलब वो नहीं नक्षत्र में ही काल रात को जन्माष्टमी नहीं कहीं अलग अलग होते कोई जन्म उदय जी को उदय तो कल रात को मनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।